हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बोलते हैं हरी मटर की इडली। तो हरी भरी इडली हम किस तरह बना रहे हैं, आज मैं आपको उसकी रेसिपी दे रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे दो बाउल हमने मटर लिया है, हरा मटर है, ये ताजे मटर जो आते हैं। इसको हमें सबसे पहले पीस के इसका हमें पेस्ट बनाना है। तो देखिए पेस्ट किस तरह से बनाएंगे। तो एक मिक्सी का जार ले लेंगे, इसमें हमें मटर डाल देंगे पहले, और इसमें हम ये दो हरी मिर्च डाल देंगे। इसके साथ ये अदरक कद्दूकस किया हुआ आधे इंच का इसको हम डाल देते हैं। ये प्याज की पत्ती है, वो प्याज की ही जो आती है, इस समय हमें मार्केट में बहुत अवेलेबल होता है इस तरह से। इसलिए ये लहसुन की पत्तियाँ आती है, देखिए इस तरह से लहसुन आती है, स्टिक वाली ग्रीन लहसुन आती है, इस समय मार्केट में मिलता है। इसकी पत्तियाँ देखिए इस तरह से चिपटी होती हैं। तो इस तरह से हम ये लहसुन की पत्तियाँ ले रहे हैं, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये भी हम इसमें डाल देंगे, और इसमें 2 से 4 चम्मच पानी डाल के और इसका हम फाइन सा पेस्ट बनाएंगे। तो इसमें 2 से 4 स्पून इस तरह से हम पानी डाल देना है। इसे पतला सा हमें फाइन सा पेस्ट बनाना है, दरदरा नहीं बनाना है। तो इसको हम पीस के साइड में लगा लेते हैं, पहले पीस लेते हैं। और फिर देखिए इसको सूजी को हमें कैसे तैयार करना है, इसका भी मिक्सचर हम बना के रख लेते हैं। तो ये देखिए 1 बाउल हम यहाँ पे सूजी लिए हैं, पतली वाली सूजी है, इसको हम इस तरह डाल देंगे। और 1 बाउल सूजी है, तो यहाँ पे 1/2 बाउल हम दही लिए हैं। तो दही ये बिल्कुल ताजी है, बिल्कुल खट्टी नहीं है। तो इसको डाल के हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इससे सूजी को भी पहले में फुलाना है। तो इस बैटर को भी एक साथ आप दोनों काम एक साथ करिए, इसको एक बार मिक्स करके रख लीजिए, इसके बाद आप उसको मटर को पीसिए। तो इसको हम पहले मिक्स कर लेते हैं। तो दही के साथ देखिए मिक्स हो गया, इसको हम ढक के साइड में लगा देंगे। तब तक हम मटर का मिक्सचर पीस के हम आपको फिर दिखाते हैं कि आगे कैसे बनेगा। तो ये हमारा तैयार हो गया, इसको हम साइड में रख दे रहे हैं ढक के। अब हम इसको पीस के तैयार करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमने पीस लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बिल्कुल बना है, एकदम फाइन सा है, बिल्कुल भी देखिए दरदरा नहीं है। अब हम ये देखिए हमारे पास सूजी भी बिल्कुल इसमें देखिए सूख कर लिया पूरा दही को। अब हम इसमें ये चल ये हमने मटर पीसा है, ये पूरा पेस्ट इसमें डाल देंगे, और उसकी कंसिस्टेंसी को देखते हुए वाटर इसमें ऐड करेंगे। तो ये इसमें डाल के इसको चला देंगे अच्छे से। तो ये अभी ये ड्राई है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 3 से 4 चम्मच पानी इसमें डालें, इसको अच्छे से चला देंगे। देखिए हमने मिक्स कर दिया अच्छे से, और जार में भी जो हमारे मटर था उसको भी हल्का सा पानी डाल के उसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर दिए। अब ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें क्या ऐड करते हैं, तो देखिए हम ये इडली जो है उसको स्टैंड में नहीं बना रहे हैं, बाउल में बना रहे हैं, बिना स्टैंड का ही हम आपको दे रहे हैं इस तरह से। इडली कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 1 स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट को भी इस तरह से ऐड कर देंगे, और इडली को स्पॉन्जी बनाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा विनेगर डालेंगे, या फिर आप लेमन डाल सकते हैं, नींबू। तो हम यहाँ विनेगर डाल रहे हैं, यहाँ पे 2 स्पून हम विनेगर डाल रहे हैं, क्योंकि दही हमारी खट्टी नहीं थी, इसलिए आप विनेगर यूज करें। अगर आपकी दही बहुत खट्टी है तो आप विनेगर मत डालिएगा, इससे भी एकदम फूल की स्पंजी बनेगा। इसको डाल के इस तरह चला दे रहे हैं। फिर इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा यहाँ पे हम 1/2 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 3/4 स्पून हमें यहाँ पर डाल रहे हैं बेकिंग सोडा। इसको डाल के चला दे रहे हैं। आप बेकिंग सोडा की जगह पर इनो भी यूज कर सकते हैं, जो आता है ये देखिए मिक्स हो गया, इनो भी डाल दिया। इनो की जगह हम यहाँ पे बेकिंग सोडा यूज किए, आप चाहिए तो इनो यूज कर सकते हैं, इनो से भी आपको यही बेस्ट रिस्पॉन्स आएगा। तो आप इस तरह से इसको चला दीजिए। बेकिंग सोडा या इनो डालने के बाद बहुत ज्यादा नहीं चलाना रहता है। तो इसको हम बाउल में बना रहे हैं, तो बाउल को देखिए इस तरह से हम कटोरी ले लिया है, छोटी छोटी कटोरियाँ, उसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे, एक तरफ हम कढ़ाई में पानी रख दिए हैं, ये बॉयल हो गया है, इसमें अंदर स्टैंड डाल दिया है, ये देखिए पानी अच्छे से गर्म हो गया। तो हम कटोरियों में ये मिक्सचर ऐड कर रहे हैं, तो देखिए इस तरह से हम डालेंगे कटोरी में मिक्सचर, इस तरह से 1/2 कप करके डाल रहे हैं। इसको टैप करके रख दे रहे हैं, इस तरह से सारी कटोरियाँ हम लगा ले रहे हैं। कटोरियों को हमने लगा लिया, अब देखिए इस कढ़ाई में हम इसको सेट कैसे करते हैं। इसमें एक हम इस तरह के स्टैंड डाल दिए, पानी अच्छे से गर्म हो गया, एक थाली इस तरह लगा दे रहे हैं, उस पर ये बाउल हम सेट कर देंगे। जितना बाउल आ जाता है एक बार में उतना हम सेट कर लेते हैं।
यहाँ पे तीन बाउल आ रहा है सही से, चौथा नहीं आ रहा, तो इसको बाद में बना लेंगे। इसको लगा के इसको कवर करके हम 20 मिनट के लिए आँच के मीडियम में करके इस तरह ढक देते हैं। बिना स्टैंड के हमारी बहुत ही स्पॉन्जी इडली बन के तैयार होगी। हम आपको 20 मिनट बाद इसको दिखाते हैं। देखते हैं 20 मिनट हो गया है, देखिए इडली हमारी कितनी स्मूथ स्पॉन्जी हो गई है। देखिए बिल्कुल बोल के स्पॉन्जी हो गई है, अभी अच्छी तरीके से पक गया है। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखने से लग रहा है, देखिए साइड से पूरी कटोरी छोड़ दिया है, यानी ये पक गया है। तब हम इसको एक एक करके नीचे निकाल लेते हैं और एक प्लेट में हम आपको इसको निकाल के इसका टेक्सचर दिखाते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए इसको नाइफ से भी स्क्रैच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चारों तरफ से निकल गया है। इसको इस तरह से टर्न करेंगे, हल्का सा टैप करिए, ये देखिए इस तरह से निकल जाता है। इसी तरह से हम सारे बाउल से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी इडलियाँ बनके तैयार होंगी। अब देखिए कितना स्पॉन्जी बना हुआ है, आप देख रहे हैं कितना स्पॉन्जी है, बहुत स्पॉन्जी इडली। देखिए बिना स्टैंड का हमने बनाया और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है इडली। इसको आप सांभर के साथ, नारियल की चटनी के साथ, जिससे भी आपको पसंद हो आप उसके साथ इसको खा सकते हैं। इस पर अगर आप चाहिए तो इस पर तड़का भी लगा सकते हैं और अपने हिसाब से इसको जितना भी आप चाहे इसको टेस्टी बनाने के लिए ऊपर से आप इसमें नमक, काला नमक भी डाल सकते हैं। वैसे ही बहुत ही टेस्टी इसमें हरी मिर्च हमने और उसमें हमने लहसुन की पत्तियां डाली, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आया है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए, मटर का सीजन है, आप इसे जरूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में बेल आइकन है, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे कोई भी नया वीडियो डालते हैं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाता है। इसी के साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ देखने के लिए आपको वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।